हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दिल्ली पुलिस MTS 17 दिसंबर 2018 का पेपर हल करवाता हूँ। इसकी थोड़ी डिटेल बताता हूँ आपको कि इसमें कोई हाइट वेट चेस्ट का कोई फाउंडेशन नहीं है। यह 10वीं क्लास से 10th पास से होती है। इसमें एज लिमिट है 18 साल से 27 साल। ट्रेड टेस्ट होता है इसमें 20 मार्क का, और रिटन टेस्ट 100 मार्क का होता है 90 मिनट में। 100 क्वेश्चन रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन 25 मार्क के, मैथ के 25 क्वेश्चन 25 मार्क के, और GK के 25 50 क्वेश्चन 50 मार्क के होते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और इसमें स्टेप ये है इसका, 100 मार्क का पहला एग्ज़ाम होता है 90 मिनट में, फिर उसका ट्रेड टेस्ट होता है 20 क्वेश्चन का, फिर इसमें मेडिकल होता है नॉर्मल, और फिजिकल इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ये इसकी जानकारी है। इसमें 10 प्रकार के ट्रेड हैं, जैसे बार बार, मोची और माली, सभी तरह होती हैं। दिल्ली पुलिस में सिविल नौकरी की तरह है, एक तरह से सिविल जॉब है दिल्ली पुलिस का। रहना दिल्ली पुलिस के अंडर पड़ेगा, लेकिन सिविल जॉब है। तो ये इसका पेपर दिया हुआ आपको, 17 दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है, सीरीज ए है इसकी। ये इसमें आप न थोड़ा स्टॉप इसको पोज करके देख सकते हो। ये इसमें डिटेल्स है, 90 मिनट 1 घंटा 30 मिनट होगा ना ये। अगर इसमें ऋणात्मक मार्क नहीं है, और ये इसकी डिटेल्स हैं, आप इसको पोज करके देख सकते हो। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा आपात का प्रकार नहीं है? तो इसमें डी ऑप्शन सही है, क्योंकि राष्ट्रीय आपात लगता है, वित्तीय आपात लगता है, राष्ट्रपति लगता है, लेकिन डी राज्य का आपात नहीं लगता, इसलिए आपका क्वेश्चन क्या है, डी ऑप्शन सही है। कौटिल्य किसके दरबार में सेवारत थे? तो इसमें थे चंद्रगुप्त मौर्य, इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्न से खेल रत्न अवार्ड 2018 किसे दिया गया है? ये करंट का क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए आप। इसमें वैसे तो उस टाइम तो बी विराट कोहली को दिया गया था। भारत में सबसे बड़ा लवण जल झील है, ये कौन सी है? फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा आपका बी, चिल्का झील। फिफ्थ में है, हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? फिफ्थ में आएगा ए, नागालैंड में। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें चित्र आकृति आगे बढ़ती हुई दिखाई दी हुई है। पहले इसमें बाहर क्या था, होता अपना वर्ग था, वर्ग और अंदर के नीचे क्या था, वृत्त था, तीन आकृति, तीन ऊपर जाकर एक हो जाती है, और ऊपर वाली तीन हो जाती है, अंदर हो जाती है। इस प्रकार ये त्रिभुज क्या होगा, तीन हो जाएगा, और ये एल का टाइप में जो हो जाए ऊपर हो जाता है। इसमें ये ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द प्रेजेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो उस टाइम थे उर्जित पटेल, लेकिन वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। इसमें शक्तिकांत दास हैं, पहले उस टाइम अकॉर्डिंग ये है, लेकिन प्रेजेंट याद रखना आपको, शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन है? तो इसमें डी आएगा। भारत में करेंसी के रूप में रुपयों की शुरुआत किसने की थी? शेरशाह सूरी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किस योजना की घोषणा की थी? तो प्रधानमंत्री जनधन, सी ऑप्शन सही है। 11 नंबर में क्वेश्चन है, 11 नंबर, निम्न में से स्थानांतरण कृषि का दूसरा नाम क्या है? तो झूम, झूम कृषि। मोतियों का शहर हैदराबाद में ज़्यादा मिलते हैं मोती, मोती से हैदराबाद है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो इसमें क्या आएगा, डी, जामा मस्जिद। PPP का पूरा नाम क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ऊंट और मवेशी मेला है? तो इसमें है पुष्कर का मेला, ये ऑप्शन करेक्ट है। 16 में देखिए, हाल ही में कौन सा
हाल ही में कौन सा राज्य निपा विषाणु से प्रभावित हुआ, उस टाइम का अकॉर्डिंग इसमें क्या हुआ, 16 में बी केरल हुआ था। अब इसमें देखिए अगला क्वेश्चन है, घड़ी में क्या बताना आपको, दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब में सिर नीचे होता है और पैर ऊपर होते हैं, दर्पण में लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट होता है। तो इसमें देखिए ये यहाँ गली है इसकी ऐसे उल्टी होगी इसमें, तो इसका आंसर अपना डी करेक्ट बैठ रहा है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 18 नंबर में आएगा ए ऑप्शन, 11 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस भारतीय ने 1913 का नोबेल पुरस्कार जीता जिन्हें विश्व कवि के नाम से भी जाना जाता है, 19 नंबर में आपका आंसर रविंद्रनाथ टैगोर। जी सही है। क्वेश्चन नंबर 20, संकटापन की स्थिति से गुजरता घड़ियाल पाया जाता है, तो ये ए में चंबल में पाया जाता है घड़ियाल। 21 नंबर में भारत का देशज नौ परिवहन प्रणाली का नाम क्या है, तो इसमें ये सही है, नाविक। क्वेश्चन नंबर 22, किसी लेखन सामग्री दुकान का क्रमशः 5 महीने का विक्रय इस प्रकार है, इतने रुपये है और इतने रुपये औसत विक्रय प्राप्त करने हेतु उसे छठे महीने में कितना विक्रय करना होगा, इसमें सबसे पहले इनको जोड़ देंगे सबको, 63, 35, 69, 27, इन सबको जोड़ करके इसमें 5 का भाग दे देंगे अपन इसमें, और फिर इसमें 6 इस प्रकार कर लिया अपन ने पहले, टोटल सबका टोटल कितना, 6 महीने का 6,500 रुपया है, 6,500 छः करने पर इतना 39,000 रुपया आया, और फिर 64,35 में सबको जोड़ 5 को जोड़ करके 34,009 आया, इसको घटाया तो ये आ गया आपका छठे महीने का 4,991, तो बी आंसर सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से काले धन से निपटने के लिए सरकार ने किन योजनाओं की शुरुआत की, 23 सितंबर में किस योजना की, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये भी करेक्ट है, इसका ऑप्शन लगा दिया। ये अलीबाबा समूह क्या है, अलीबाबा समूह क्या है, सी चाइनीज ई कॉमर्स कंपनी है अलीबाबा। क्वेश्चन नंबर 25, रणजी ट्रॉफी 2017 किस टीम ने जीता, अब ये उस टाइम को याद नहीं रखना आपको, नया देखिए क्या होता है इसमें, नया देखा होगा। 2017 की रणजी ट्रॉफी विदर्भ ने जीती थी, लेकिन विदर्भ मतलब सी क्वेश्चन सही आंसर, लेकिन रणजी ट्रॉफी 2022-23 रणजी ट्रॉफी को आखिरकार ख़त्म हो चुका है, इस टूर्नामेंट को इस बार सौराष्ट्र की टीम ने जीता है, सौराष्ट्र की टीम ने पिछले 3 सालों से दूसरी बार रणजी ट्रॉफी जीती है, इस बार के फाइनल मैच में उनकी टक्कर बंगाल से हुई थी जिन्हें उन्होंने आसानी से हराकर एक बार फिर रणजी ट्रॉफी पर अपना नाम लिख लिया, ये आपकी डिटेल है इसकी लेटेस्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में फसल का ऋतु नहीं है, खरीफ, बैसाख और रवि और जैद, तो इसमें बैसाख नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर इसमें देखिए भी आपका करेक्ट आंसर है बैसाख। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की विशेषज्ञ एजेंसी नहीं है, तो संयुक्त राष्ट्र की कौन सी नहीं है, इसमें ए नहीं है, इसमें रेड क्रॉस। 28 नंबर है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है, कौन नियुक्त करता है न्यायाधीश, बी भारतीय राष्ट्रपति करते हैं, ये उसका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 29, संपूर्ण जैविक खेती वाला पहला राज्य कौन सा है, तो इसमें सिक्किम राज्य है जैविक खेती। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बुद्ध द्वारा बोली जाती है, थी बुद्ध द्वारा कौन सी बोली जाती थी, प्राकृत भाषा। भारत में हरित क्रांति की जनक कौन है, सी M.S. स्वामीनाथन। निम्नलिखित में से कौन सा संविधानिक निकाय नहीं है, तो इसमें कौन सा होगा, 32 नंबर में सी केंद्रीय सतर्कता आयोग। निम्न में से कौन सा स्तनधारी प्राणी नहीं है, इसका देखिए 33 में सी ऑप्शन सही है, सांप। ए प्लस बी का तात्पर्य ए बी की माँ है। 34 नंबर में देखिए, 34 नंबर में इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ना, इसको बार बार पढ़कर इसको संबंध से P-M
प्लस एन क्यू गुणा क्यू होगा इसका आंसर सही। दसवां, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2018 कहाँ संपन्न हुआ, तो उस टाइम कहाँ संपन्न हुआ था, जोहान्सबर्ग में। अगला क्वेश्चन है, इसमें चित्र को पूरा करना है, इसमें कौन सी छिपी पड़ी आकृति देखना है आपको। देखा ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें, क्योंकि इसमें ये आकृति छुपी पड़ी, ये पूरी आकृति इसके अंदर है, ये उसको मतलब क्या है। अब ये हो रहा है कि एस सी एफ मतलब एल सी एम क्या करना है, इसका एस सी एफ में से क्या करना है, तो 59 का कैसे होगा, 59 का होगा 59 मल्टीप्लाई वन टुकड़ा होगा इसका जैसे, और 14 का क्या हो गया, 2 × 7 × 1, तो इसमें एक क्या हो रहा है, कॉमन मिल रहा है, तो एक ही आंसर सही होगा इसका अकॉर्डिंग। देखिए डी में सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित निम्न में से निम्न में अलग शब्द कौन सा है, ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्वेद, और ये आयुर्वेद नहीं है, ये अलग है। क्वेश्चन नंबर है निम्न में से कि सर्वोत्तम मत्स्य पालन राज्य से पुरस्कार किया गया है, किसको किया गया है, 39 में डी को, झारखंड को। अभिज्ञान संकुतलम के रचयिता कौन है, 40 में आएगा कालिदास। प्रवाह नदी स्थिर जल, स्थिर जल में क्या होता है, पूल, पूल मतलब होता है स्विमिंग पूल। ये इनमें से कौन सा राज्य की राजधानी नगर नहीं है, तो कोची नहीं है, बाकी सब क्या है राजधानी है, भोपाल, शिमला, गंगटोंग सिक्किम की है, भोपाल एमपी की है, और दीन ए इलाही अकबर द्वारा चला गया है। भाभा एटोमिक ये चेन्नई में स्थित है, भाभा किसमें, मुंबई में, चेन्नई नहीं मुंबई में। अगला है निर्वाचन आयोग का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 साल का होता है, 45 में बी, और ये मुंबई में क्या हुआ था, 44 नंबर में क्या है, मुंबई में 1954 में स्थापित हुआ था ये भाभा एटोमिक रिसर्च 1954 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, जैन गुरुओं का या अध्यापकों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जैन गुरुओं को तीर्थकर, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियोल शांति पुरस्कार 2018 से किसे पुरस्कृत किया गया है, तो इसमें उसका अकॉर्डिंग उस टाइम का अकॉर्डिंग क्या है, बी ऑप्शन सही, नरेंद्र मोदी। विश्व में सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल का नाम है, क्या नाम है सीमा सुरक्षा बल का नाम, ए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF भारत में। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी क्षेत्रीय प्रजाति विलुप्त हो चुकी है, तो कौन सी हो चुकी है, 49 में ए चिता। अगला है एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, क्वेश्चन नंबर 50 में सी मनीला फिलीपींस। 51 में भारत का प्रथम मानव सहित अंतरिक्ष मिशन कौन सा है, तो इसमें आएगा 51 में सी गगनयान। 52 में ली कॉर्बुज़र ने किस शहर का प्रारूप बनाया था, तो इसमें कौन सा बना था, 52 नंबर में चंडीगढ़ को। 53 में राष्ट्रीय गीत रंगा मतलब रविंद्रनाथ टैगोर ने गान, और बंगी मतलब बंकिम चंद्र चटर्जी ने गीत, तो इसमें ऑप्शन आएगा आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। 54 में देखिए, ये 2 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग को ए को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग बी से जोड़ा जाए, तो ए तथा बी को जोड़ने वाले पर निर्मित चित्र का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए इसमें इस पर बना लिया, पहला वर्ग 2 है, फिर इसके भी ये भी 2 है, तो ये दोनों 2, 2, 4 हुई और ये 2 ही रह गई, तो आयत बन गए। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी होगी 4 होगी और चौड़ाई कितनी 2, 4 × 2 = 8, ये आपका ऑप्शन बी सही होगा 55 में। 56 नंबर देखिए, 54 में बी 8 सेंटीमीटर, 55 देखिए कि ट्रेन की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है, ये किसी कम्बे को 10 सेकंड में पार कर सकती है, ट्रेन की लंबाई क्या होगी, ये देखो ये हुआ दूरी द्वारा होता है चाल गुणा समय, चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है और समय भी सेकंड में दिया हुआ है, तो 20 × 10 200 मीटर हो जाएगी, ऑप्शन बी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56, लाल चंद ब्लड मून का संबंध किससे है, तो बी से है चंद्र ग्रहण से, लाल चंद मतलब चंद्र ग्रहण से संबंधित है इसका
ब्लड मून। देखिए मैं आपको डिटेल बताता हूँ ब्लड मून क्या है। पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति में जब चंद्रमा पर पृथ्वी की पूरी छाया पड़ती है तो भी सूर्य की कुछ किरणें पृथ्वी के वायुमंडल से अपवर्तित होकर चंद्रमा पर गिरती हैं और यह हल्के लाल भूरे रंग का दिखाई देता है, जिसे ब्लड मून कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिराग ए दिल्ली के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसको शेख नसरुद्दीन मोहम्मद को जाना जाता है। लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा का वर्तमान उस टाइम का अध्यक्ष कौन था? उस टाइम था सुमित्रा महाजन, लेकिन प्रेजेंट में है ओम बिरला राजस्थान से। ओम बिरला ऐसे राजस्थान से हैं ये प्रेजेंट में। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो 59 में है ए एम फातिमा बीवी। 60 देखिए, 60-63 क्वेश्चन नंबर है, इसमें आप फिगर बना सकते हो। इसमें ये देखिए मैंने आपको फिगर बनाई हुई है कि इसमें ये अंदर की तरफ मुँह करके बैठे हैं टेबल पर, गोल टेबल पर वृत्त के चारों ओर बैठे हैं, केंद्र को और मुँह करके केंद्र हो गया और इसको मुँह करके इस पर आपको बैठा दिया। पी टी के दाहिनी से दूसरे स्थान पर है, पी पी एरा टी के दाहिने से दो क्या है दूसरी है, जो आर तथा वी के पड़ोसी हैं। आर और पी वी के क्या हैं पड़ोसी हैं टी, ये आर हो गया, ये आर हो गया, ये वी हो गया, इनको इसकी जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग जमा लेते हैं। तो ये फिगर का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या पोज कर दे सकते हो। चलते हैं क्वेश्चन की ओर, एस का स्थान क्या होगा? तो एस कहाँ पर है इसमें ऑप्शन देखते हैं, मिट जाएगा अगर बढ़ाता तो मैं। देखिए एस का स्थान क्या है, तो एस का स्थान आएगा आपका 60 में सी, यानी डब्ल्यू के दाहिनी ओर, उस फिगर के अकॉर्डिंग आपको करना है। फिर 61 में आएगा, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो क्यू डब्ल्यू के बाई ठीक बाई ओर है, फिगर देखने से आपको लग दिख जाएगा ये। 62 में देखिए, निम्न में से कौन सा दो पड़ोसी नहीं है? तो दो पड़ोसी कौन कौन नहीं है? 61 में आर और वी सब पड़ोसी हैं बाकी। 63 में देखिए, निम्न में से कौन सा वी के 63 में वी के दाहिनी ओर है? तो वी के दाहिनी ओर कौन सा है? टी है, उस फिगर के अकॉर्डिंग। 100 लोगों की किसी विशिष्ट सम्मेलन में 29 भारतीय महिलाएं तथा 23 भारतीय पुरुष, ऐसे आपको ये दी हुई है डिटेल लिख लो इसमें। तो इसमें क्या होगा, कुल डॉक्टर कितने हैं? 4 हैं और डॉक्टर 4 डॉक्टर हैं, लेकिन उनमें से 3 तो पुरुष डॉक्टर हैं, तो महिला कितनी बचेंगी? एक रेड शामिल महिला डॉक्टरों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी 4 में से, ये होगा आपका ऑप्शन सी। 59 और 10 का महत्व समझ पड़ता है, जैसे ऐसे क्वेश्चन पहले भी आया था 59 वाला, देखिए 59 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 59 का 59 गुणनखंड करेंगे 1, और 10 का कितना हो गया, 10 इक्वल टू 2 2 5 10 गुणा 1, तो इसमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो इसका ऑप्शन आपका ए सही है, मैं तो एफ मिल रहा है जो मतलब मैं सही होगा। 66 में आएगा आपका, 3 बिंदुओं के मुख के विपरीत मुख पर कितनी बिंदुएं होंगी जिस चित्र को घनाकार में लपेटा जाता है? तो इसमें आएगा 66 में डी ऑप्शन सही है, 6 हो जाएगी इसमें। अगला क्वेश्चन है, चित्र में कौन सा भिन्न है? तो बहुत सीधा ये भी, ये सब में क्या है, सब स्वर हैं, ए ई आई ओ यू 5 स्वर होते हैं, लेकिन इसमें पी नहीं है, तो ऑप्शन आपका यही करेक्ट होगा, बाकी सब स्वर हैं बोवल। 25 बेंच और 22 छात्र हैं, बताएं कितने तरीके से उन्हें व्यवस्थित किया जा सकता है? तो 68 में भी ऐसे ही होगा, 68 में भी सी होगा। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र को अंग्रेजी गणित भौतिक जीव विज्ञान इनमें से प्राप्त होते हैं, औसत अंक ज्ञात कराओ। सीधी बात है, इनमें सबको जोड़ लेंगे पाँचों को और इसमें 5 का भाग दे देंगे, तो जोड़ने पर कितना उत्तर आया, 373 आएगा, सबका टोटल क्या है, 373 अपॉन 5 यानी बटे 5 बराबर 535, बचकर 2 पचम 25 और 5 को 20 यानी कि 75.4 सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह के स्थापित करने के लिए क्या आएगा? तो आर एस एक एक आगे बढ़ रहा है, आर एस ई एफ ए बी, तो इसमें टी एस टी यू, टी के बाद में यू आ जाएगा और एच के बाद में एच आई
आई जे एल एम एन ओ के एल, तो यह आ गया आपका बी ऑप्शन करेक्ट है 70 में। ऐस कर दिए इसको एक एक आगे बढ़ा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा आएगा, चित्र पढ़िए इसको, 71 में क्या आएगा, बी, बी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट है ए भी किसी आय कुल आय बी तथा सी की कुल आय से 12 साल अधिक है, तो इसको ऐसे जमाते हैं पॉइंट के लिए। इस प्रकार देखिए 72 में सी आ गया, यानी कि ए प्लस बी माइनस बी प्लस सी बराबर 12, तो ये कट गए दोनों, और ए माइनस सी कितना हो गया 12, दोनों कितना छोटा होगा 12 होगा ए, तो सी ए से कितना छोटा होगा, तो सी छोटा होगा 12, इन दोनों का अंतर ये होगा, आंसर सी सी है। 73 में देखिए इनकी दस्ताने हाथ में तो मोजे कहाँ आते हैं, पाँव में आते हैं, ये ऑप्शन सी है। 74 में देखिए इनमें से कौन सा शब्द अन्य से अलग है, न्यून कोण समकोण अधिक कोण, लेकिन समांतर क्या है, भुजा होती है, सब कोण है, ये भुजा है, ये 0, 2, 7, 12, 20, इसमें अगला ऑप्शन क्या आएगा, सी आएगा 75 में। गंतर देख लेते हैं, श्रेणी बनती है कुछ नहीं, दो फिर तीन का अंतर, पाँच का अंतर जुड़ रहा है इसमें आएगा। अगला क्वेश्चन है दो बिंदु के मुख के विपरीत कौन सा होगा, दो के बिंदु इसमें देखिए दो के विपरीत तीन भी है पाँच भी है, यानी दो के विपरीत क्या है, तीन भी है पाँच भी है, मतलब दो के साथ में, ये दो के साथ में तीन ही आए और पाँच ही आए, और दो के साथ में तीन या एक ही आए, यानी कि एक भी होएगा, और दो के बाद क्या बचा, क्या छः बचा, तो छः विपरीत होगा इसमें से, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक चित्र में किसी लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये मेरे सुरेश, लड़के की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा कि वह मेरी माँ की एकमात्र बेटे का बेटा है, उस लड़के से सुरेश का क्या रिश्ता होगा, डी करेक्ट आ रहा है, और अगर कुछ करेक्शन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, देख के डालना थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर ए और बी की आयु का गुणनफल कितना है, 65 है और युगफल 18 है, उनकी आयु का अंतर्ज्ञात कीजिए, इसको इस प्रकार करते हैं, इस प्रकार देखिए इसमें ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर था एस ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab, तो 18 का स्क्वायर कर दिया मान रख दिया इसमें ए प्लस बी का, और ए बी का मान रख दिया, इस प्रकार अंडर रूट करने पर ए माइनस बी का बराबर करने पर 78 आया इसमें, ए सही है। ये देखने पर बी का मान 4 आ गया उसका, और ए तथा बी का पता लगाइए, तो बी का मान 4 हो गया, तो ए प्लस बी का मान 10 होता है, तो बी का मान 4 तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बटा देंगे 6 बच जाएगा, तो ए बराबर 6 और बी बराबर 4, इस प्रकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्पण प्रतिबिंब देखिए इसमें से कौन सा दर्पण, दर्पण का मतलब होता है कि दाएँ से बाएँ और बाएँ से दाएँ, तो ये देखिए इसमें ये साइड में हो जाएगा, ये तो ये साइड में यही आ रहा है, डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। 80 में कितना आएगा, डी सही है। 81 देखिए इसमें भी नीचे तीसरी पासे की दो स्थितियां बताई हैं, 5 बिंदुओं के विपरीत फलक पर कितनी बिंदु नजर आएंगी,
इसमें देखिए दो ऊपर है दो साइड में, एक ये है, तो ये पांच के विपरीत चार ही होगी। डेफिनेट डी आंसर सही है। 81 में है कि निष्कृतिया निष्कृतिया यानी संबंध है जिस पर मैराथन के दौड़ से, तो इस प्रकार शीत निष्कृतिया किससे संबंधित है? आंसर क्या है इसमें? 82 में डी ऑप्शन निंद्रा देगी, इसमें निंद्रा है। और तो बाकी सब जाड़ा बरसात ये सपना ये सब ऐसे ही है, लेकिन निंद्रा है निष्कृतिया मतलब सो गया मतलब। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है, दक्षिण की ओर कितने चल गया? 5 चल गया, यहाँ से स्टार्ट किया, फिर वो कह रहा है फिर उसको मतलब दाएं मुड़ के 3 चलता है, 3 चल गया, फिर वो कितने चलता है वापिस? 5 चलता है, ये बोल रहा है। तो अब ये बताओ ये दिशा कौन सी हुई? तो ये हुई यानी पश्चिम, ऑप्शन देखिए दक्षिण पश्चिम, यानी दक्षिण तो ये होगी और पश्चिम होगी, दक्षिण पश्चिम होगी। तो ऑप्शन देखिए कौन सा होगा इसमें? 3 तो नहीं है, चौथा देखिए है, चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। निम्नलिखित अनुक्रम में अगली संख्या क्या है? अगली संख्या ज्ञात करनी है। इसमें देखिए किस कितने कितने अंतर आ रहा है ये देखना, यानी कि हमने घटाया इसको 173 में 195 से, 195 से 173 घटाया तो 22 का अंतर आया, तो इस पर 22 22 में 22 छोड़ देंगे, तो इसमें कौन सा हुआ है? ऑप्शन ए हुआ है, 239 22 जोड़ देंगे अपन, प्लस 22 239 में 22 जोड़ देंगे, तो 26 घटाया। इस श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए, तो 86 में क्या है अंतर कितने कितने का आ रहा है? इसमें आ रहा है 20 20 अंतर, 188 और 173 अंतर कितने का आया? 15 15 का अंतर आया, 8 5 13 यानी 15, इसमें 15 जोड़ देंगे 218 में, तो 218 23 10 33 यानी 233 आया ऑप्शन इसका 85 में बी करेक्ट है। अगला है कि निम्न में कितने त्रिकोण हैं? त्रिकोण देखिए पहले सिंगल देख लीजिए, सिंगल एक ये देखिए इसमें, तो आपको 1 2 3 4 5 6 सिंगल सिंगल हो गए, फिर डबल डबल देखो कौन कौन डबल डबल में, तो डबल डबल देखो 11, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 है ना, 8 के बाद में ये 9, 9 के बाद में ये 1 और बन रहा है 10 नंबर, तो इस पर 10 11 12 13 14, तो इसमें 86 में कितना आएंगे? 14 ट्राइंगल आएंगे यानी त्रिभुज आएंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी बैक्टीरिया की आबादी प्रतिदिन दोगुनी होती है, सही बात है। सौवें झील पूर्ण रूप से बैक्टीरिया से भरा पाया गया, झील किस दिन बैक्टीरिया से आधा भरा था? यही 99 दिन में वो आधा भर गया, और 1 दिन में क्या हुआ डबल हो जाता है, तो ये ऑप्शन सही है, ये 99 दिन डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, इस चित्र को जो है जो बाकी से भिन्न हो, बहुत अच्छी बात है। सब देखिए प्लस और ये आयत ओ वर्ग है, वृत्त है और त्रिभुज और क्रॉस और त्रिभुज है, और किसमें नहीं है दो दो त्रिभुज, इसमें देखिए दो वृत्त आ गए इसमें, तो ऑप्शन ये सही हो 4 नंबर, और 4 किस में आ रहा है? डी में आ रहा है, क्योंकि सब में सिंगल सिंगल सर्किल है, इसमें डबल आ गई ये। अगला क्वेश्चन है, वाई एक्स के पूर्व में स्थित है, इसको बना लेते हैं फिगर इस प्रकार, देखिए वाई एक्स के पूर्व में है, तो ये वाई ये पूर्व हो गया, ये कह रहा है जेड के उत्तर में है, जेड के कहाँ हैं? उत्तर में, तो ये उत्तर हो गया, जेड के उत्तर में ये एक्स हो गया, ये बराबर ये जेड पी जेड के दक्षिण में, तो पी जेड के दक्षिण ये नीचे हो गया, ये हो गया। अब पी वाई के किस दिशा में होगा? तो पी इधर हो गया, पी वाई के किस में हो गया ये, तो ये कौन सा हो गया? दक्षिण और पश्चिम, यानी ये दक्षिण और नीचे दक्षिण होगी, इधर क्या होगी? पश्चिम होगी, दक्षिण पश्चिम का आंसर है क्या? नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, ये बी से 2 साल बड़ा है, सी से 2 गुना बड़ा है, ए बी सी की आयु का योग इतना है, तो बी की आयु याद कीजिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाता। देखिए मान लीजिए इसमें पढ़ना है कि सी क्या है 1 साल का है और बी कितना है उसे 2 गुना, तो 2x हो गया, और ए क्या है 2 गुना से 2 बड़ा है वाई, ये ए, तो इनको फाइंड आउट कर लिया अपन ने, सबका टोटल कितना है 27 है, इनकी 2x प्लस 2 प्लस 2x प्लस
एक्स बराबर 27, तो कितने हो 5x हो गए, 2 2 4 5x बराबर क्या हुआ, 2 को इस पर संतुलन किया तो 27 में 2 5 बच गया। अब एक्स बराबर 5, तो एक्स बराबर 5 आएगा तो बोल रहा है बी क्या आयु, बी में कौन, मिडिल में, तो 2 गुणा 5 करने क्या आएगा 10 आएगा, ये ऑप्शन ऑप्शन ए सही है। इतनी सीधी मैथ आती है इसमें। दर्द के लिए क्या जिम्मेदार होगा, तो दर्द के लिए क्या होगा जिम्मेदार, 18 नंबर में देखिए 93 नंबर में टी डी, चोट लगना होता है दर्द, चोट लगने दर्द होता है, कटना से, जलना, उपद्रव, चोट लगने सब कुछ हो जाएगा, चोट लगेगी तो उसमें दर्द भी हो जाएगा, ये होगा। अगर किसी आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इतना है, सही बात है। उसके बाद यदि कोई आदमी उस पार्क की सीमा पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा गति या 8 मिनट में एक बार चक्कर लगा देता है तो पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें देख मैं कर देता हूँ आपको हल, देखिए इस बार कर लिया, पहले अपन किलोमीटर प्रति घंटा चाल को मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे, मीटर, एक 12 किलोमीटर में 12,000 मीटर होते हैं, गुणा 8/16 यानी कि दूरी बराबर होता है 4 गुणा 4 इतनी होगी और गुणा समय इतना हो गया, और इतना 1600 ही आ गया इसमें, ये चक्कर आ गया काट लेता है। तो पार्क का क्षेत्रफल क्या होती है, क्षेत्रफल देखिए लंबाई यानी आयतन कितना होगा, आयत परिमाप कितना आयत का 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 1600, तो लंबाई कितनी होगी 480 और चौड़ाई इतनी होगी इतनी होगी, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, इन दोनों गुणा कर लिए, इन दोनों को गुणा करने पर आया 15,003 इनकी एक, ये आ गया टोटल ऑप्शन ए सही है, गुणा करने पर इन दोनों का 480 गुणा 320। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पाइप ए बी 6 घंटे तथा 4 घंटे टंकी भर सकते हैं, तो ये दोनों पाइप को बारी बारी से खोला जाता है, तो ए को पहले खोल रहे हैं तो कितने घंटों में टंकी भर जाती है, इस पर करते हैं इसको देखिए। देखिए इस पर कर लिए, दोनों मिलकर काम करते हैं 5/12, क्योंकि 1/6 + 1/4 का आंसर जोड़ेंगे कितना 5/12, 4 घंटे में काम करेंगे टोटल दोनों मिलकर के, ए गुणा बी, इनकी ए और बी दोनों कितने करेंगे 5/12 × 2, यानी कि एक पहले ए ने कर लिया फिर बी ने कर लिया फिर सी ने बी ए ने कर लिया फिर बी ने कर लिया, यानी कि दोनों वर्क करते हैं 2 2 घंटे, मतलब 2 घंटे का काम हो गया ये 5/6। अब बचा काम कितना 5 6/6 में से इनकी 1 मिनट कितना हो गया, तो 1/6। अब अगला क्या है, ए का नंबर दोबारा, तो ए अगले 1 घंटे में भरेगा, यानी 4 घंटों ने पहले काम कर लिया फिर अगले 1 घंटे में ये, तो टोटल काम कितना हुआ 5 घंटे, ए ऑप्शन करेक्ट है। देखिए कि जिल्द जिल्द लगाना किताब पर, तो क्या होगा इसमें 94 में डी फ्रेम चित्र पर लगाया जाता है, 59 और 59 और 12 का महत्व समावर्त, ये 3 बार क्वेश्चन पूछ लिया था, इतना आसान क्वेश्चन है, इसमें भी वैसे गुणनखंड कर देंगे अपन, 59 बराबर करता है 59 गुणा 1, क्योंकि अभाज्य गुण अभाज्य संख्या है 59, और 12 क्या हो जाएगा 2 × 2 6 × 12 × 1, तो 1 इनमें मिल रहा है बस, तो 1 का आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, अगर 3 सेंटीमीटर भुजा के 2 समरूप वर्गों को जोड़कर, तो बनाता वो 3 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग को 2 समरूप वर्गों को जोड़कर कोई रूप दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात हो, इसके बगल में दूसरा जोड़ दिया, तो 3 तो इसकी भुजा है, 3 इसकी 3 इसकी, तो 3 × 2 = 6 होगी और गुणा 3 6 18 वर्ग आए तो क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, ये लंबाई होगी या चौड़ाई होगी, लंबाई कितनी होगी 6 होगी, 6 18 वर्ग सेंटीमीटर ही होगा। अगला क्वेश्चन 90, श्रेणी में अगला संख्या क्या आएगी, तो 97 देखिए श्रेणी अगली क्या बन रही है 22 22 अंतर्गत बन रही है, यानी 173 और 151 का अंतर कितना है 22, तो इसमें 107 में 22 और जोड़ देंगे अपन, 107 में क्या कर देंगे अपन 22 घटा देंगे 107 में से, तो 5 और 8 यहीं का ऑप्शन क्या आएगा 97 में डी 85। अगला क्वेश्चन है, यानी डेजी बेंगलो और फूल घर और पादप, पादप किस में उगेगा, फिर ये शहर में उग जाएगा, पादप डी में सही है शहर में उगेगा। अगला क्वेश्चन है 98 99 हो गया, देखिए रोन ने 400 में से इतने अंक प्राप्त किए, रोन ने 400 में से 344/100% निकाल ली, तो जो कट गई और 4 4 8 32 और 4 6 24 86% हो गया इसका, तो अब ये कह रहा है और कौन है बेन, बेन ने 582 अंक प्राप्त किया कितने 600 में से, तो गुणा कर लेंगे 100, 6 6 9 54 और बच गया 642 97 होगा इसमें, तो कौन कह रहा है कि 72% किसका रहा, तो इसका रहा बेन का, तो ऑप्शन ए करेक्ट सही है इसमें।
किसी वर्ग की भुजा का माप लेते समय 2% अधिक मापा गया, ज़्यादा मापा गया, और वो एक्चुअल कितना था, वो मतलब 100 था अधिक, तो उसको 102 माप लिया अधिक। उस वर्ग के परिकलन क्षेत्र में आई त्रुटि याद कीजिए। तो त्रुटि इसमें सी ऑप्शन सही होगा, कैलकुलेशन करके करना है उसको। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ऐसे वीडियो देखने हो तो आगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और आगे बनाएंगे आपके लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, धन्यवाद।